किस वातावरण हमारा बेटा अंदर नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, शिवराज यही निर्णय लिया था कि हम लोग पहले इस महामारी से निकले और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो केवल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं दी, जन सेवकों की टीम का गठन हुआ है। और मैं नहीं समझता कि मंत्रिमंडल का गठन केवल एक त्यौहार की तरह मनाया जाना चाहिए, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस दिन आपको जिम्मेदारी दी गई, 7.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी दी गई, एक एक जनसेवक, मुझे पूरा विश्वास है प्रथम जनसेवक शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए पर आ रही है ना चक्कर में कार्य करेंगे। ऊर्जा मंत्री आपके खेमे से शामिल हुए हैं शिवराज कैबिनेट में। भाई जितने भी मंत्री हों ये गणित का गेम नहीं, ये गेम है सेवा। कांग्रेस ने प्रजातंत्र की हत्या हुई है, कांग्रेस तो छटपटा रही है, आप लोगों ने नहीं देखा है काला दिन भी मना रही है, काला दिवस छटपटा रही है। काला दिवस तो उनको मनाना चाहिए जिस दिन इस देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। प्रमोद जी आईडी नीचे करें, यही तो कठिनाई है। कांग्रेस जनता से भटक गई है और अपने तक सिमट गई है, कांग्रेस जनता से भटक गई है और अपने तक सिमट गई है। यही सबसे एक मिनट यही सबसे बड़ी कठिनाई है। मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से मैं 2 महीने मध्य प्रदेश नहीं आ पाया, पिछले 1 महीने से मैं स्वयं कोरोना से संक्रमित हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ 90 दिन इन्होंने जो विष की बात करते हैं ना कमलनाथ जी, क्या विष का कैंपेन 90 दिन से चल रहा है। जो मध्य प्रदेश की जनता 7.5 करोड़ जनता महामारी का सामना कर रही है, कांग्रेस को महामारी की चिंता नहीं है, कांग्रेस को सेवा की चिंता नहीं है, कमलनाथ जी को सेवा की चिंता नहीं है, दिग्विजय सिंह जी को सेवा की चिंता नहीं है, उनको तो इस बात की चिंता है और मिर्ची है कि कुर्सी चली गई। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी सेवा में लगे थे, मैं उपस्थित नहीं, लेकिन सिंधिया फाउंडेशन के द्वारा एक एक व्यक्ति को खाने का पैकेट दिया गया, देखभाल किया गया, स्वयं मैंने 30 लाख का चेक मुख्यमंत्री को दिया है, एक एक व्यक्ति को दूसरे राज्यों से लाने के लिए मैंने कोशिश की है, विदेश से मैं कई लोगों को वापस लाया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया पिछले 3 महीने कांग्रेस तो सेवा की चिंता है केवल स्वतः। कांग्रेस आपको लगातार जयचंद्र बोल रही है, जयचंद्र देखिए ना, मुझे कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र चाहिए ना, मुझे दिग्विजय सिंह जी से प्रमाण पत्र चाहिए। प्रदेश की जनता के सामने तथ्य हैं कि 15 महीनों में किस तरीके से इन्होंने प्रदेश का भंडार लूटा है और स्वतः को पूर्ण रूप से सारा अपने आप ले लिया है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है, समय आएगा तो मैं बताऊंगा। आपके लिए पर मैं केवल इनको इन दोनों को यही कहना चाहता हूँ, टाइगर अभी जिंदा है। सर कांग्रेस में पूछ रही है सर टाइगर और
आपके हाथ में है। आप पहन लो, पहन लो।